हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज हाउस। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो कर सकते हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बिकॉज यहां पर हम लोग सिर्फ आपको एजुकेशनल वीडियोस प्रोवाइड कराते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज हाउस में। दोस्तों, ये है आपकी डेली करंट अफेयर्स की क्लास, जिसमें हम 14 जुलाई से अब तक के जो भी करंट अफेयर्स हुए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के जो 10 क्वेश्चन हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि आज के जो क्वेश्चन आए हैं बैंकिंग के एस्पिरेंट्स के लिए, यूपीएससी के एस्पिरेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना ना भूले। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, ये IAAF वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप में 18 वर्षीय किस भारतीय महिला धावक ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एथलेटिक्स स्वर्ण जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला बनकर इतिहास रच दिया है। ठीक है, तो इसका नाम बनाया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो कौन सी है पहली भारतीय महिला जिसने एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? तो हिमा दास, अंजू दास, सपना शर्मा या निधि त्यागी? दोस्तों, इसका जो आंसर है वो है ए, हिमा दास। तो हिमा दास ने जीता है, और ये है कहा कि ये असम राज्य की है। ठीक है, इन्होंने टाइम लिया है 51.46 सेकंड का टाइम लिया है इन्होंने, ठीक है, 51.46 सेकंड का टाइम लिया है 400 मीटर की रेस पूरी करने में। ठीक है, और ये जो हुआ था IAAF वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप, वो हुआ था फिनलैंड के टम्पारे में हुआ था। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारी चीज़ें इसमें बन चुकी है, कितना टाइम लिया है इन्होंने, कहाँ के निवासी है वो, कौन से इवेंट में उन्होंने भाग लिया था, और ये वर्ल्ड चैंपियनशिप जो हुई थी वो हुई कहाँ थी, फिनलैंड में हुई थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट था ये, तो आपको सारे क्वेश्चन इसमें देख लेने, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन इसमें बन रहे हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार मई में औद्योगिक उत्पादन वृद्धि में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? तो हमको बताना है ए 4.2%, 3.2%, 3.5 या 3.1। दोस्तों, इसका जो आंसर है वो है 3.2। तो 3.2 की गिरावट ये क्यों आई है, क्योंकि विनिर्माण और बिजली क्षेत्रों में क्या है, सुस्त प्रदर्शन हुआ है। ठीक है, तो ये अभी तक के 7 महीनों में सबसे न्यूनतम पे 3.2 की गिरावट आई है, तो ये बात हमको याद रखनी है। ठीक है, किसके वजह से हो रहा है, विनिर्माण और बिजली क्षेत्रों की वजह से। ठीक है, अगले देखते हैं। हाल ही में किसे इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स ICWA, ये आपको याद रखनी है, फुल फॉर्म भी आ जाती है कभी कभी, कि ICWA के फुल फॉर्म क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स। ठीक है, अब इसके महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, आर माधवन, विजय प्रकाश चतुर्वेदी, TCS राघवन या रवि कुमार शर्मा? दोस्तों, इसका जो आंसर वो है TCS राघवन। तो TCS राघवन को क्या क्या बनाया गया है, CIWA का महानिदेशक बनाया गया, ये है क्या। ठीक है, तो पहली बात, इसकी स्थापना कब हुई थी, ICAW की इसकी स्थापना हुई थी 1943 में हुई थी। ठीक है, अब इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, तो ये भी बात हमको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्लूमबर्ग के अनुसार एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? ये ब्लूमबर्ग एक संस्था है जो क्या करती है, ये एक स्रोत है जिसके माध्यम से पता चलता है कि अमीर और सबसे ज़्यादा अमीर की है निकालती है, स्टैटिस्टिक्स निकालती है कि जिसमें सबसे ज़्यादा अमीर कौन है, कितना उनके पास पैसे हैं, कितने बिलियन पैसे हैं। ठीक है, तो हमको बताना है जिसमें, देखो, मुकेश अंबानी, रतन टाटा, जेक मा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, इसका जो आंसर है मुकेश अंबानी। तो मुकेश अंबानी आपको पता है कि रिलायंस के शेयर है, चेयरमैन है। ठीक है, उसके बाद आपको एक बात याद रखनी है, इन्होंने जो चीनी मोर्स कंपनी अलीबाबा, उसके संस्थापक थे, जेकमा को पीछे छोड़ दिया, मतलब पहले जेकमा पहले स्थान पे थे, अब क्या है वो दूसरे स्थान पे आ गए। ठीक है, तो ये 40 बिलियन जो है डॉलर बिलियन वो जेकमा की संपत्ति थी, लेकिन 40.3 बिलियन ये मुकेश अंबानी की संपत्ति आ गई है। ठीक है, तो इसके वजह से वो पीछे छोड़ दिया इन्होंने। अगला क्वेश्चन देखिए, RBI ने हाल ही में किस पेमेंट बैंक को नए ग्राहक लेने की मंजूरी दे दी है? तो पेटीएम पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, यूपी पेमेंट बैंक, या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों, जो इसका जो आंसर है वो है एयरटेल पेमेंट बैंक। तो एयरटेल पेमेंट बैंक को RBI ने नए ग्राहक लेने की अनुमति दी थी कि किसी वो 16 अंकों की जो डिजिटल आईडी होती है उसकी वजह से। ठीक है दोस्तों, अब उसने उसका काम कर लिया है। ठीक है, तो अब ये बताना है कि एयरटेल के प्रबंधक निदेशक कौन है? तो अनुव्रता विश्वास, ये भी हमको याद रखना है। ठीक है, अनुव्रता विश्वास। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर।
नेशनल बैंक ऑफ फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड, ये नाबार्ड की फुल फॉर्म है, ये भी याद रखना हमको, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो इसने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है, ठीक है, हाल ही में मनाया है इसने, 32वां, 24वां, 37वां या 35वां? तो दोस्तों इसका जो आंसर है 37वां। तो 37वां स्थापना दिवस मनाया, कब मनाया, 12 जुलाई को। इसकी स्थापना हुई है 1982 में, ठीक है। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके जो अध्यक्ष है वो हर्ष कुमार भंवर है, तो ये भी हमको याद रखना है, ठीक है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ग्लोबल इन्वेंशन GII में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला देश कौन सा है, तो इसमें बताना है भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान या स्विट्जरलैंड। दोस्तों इसका सिंपल सा आंसर है स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया, दूसरे स्थान पर नीदरलैंड और तीसरे स्थान पर स्वीडन रहा है, ठीक है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, धनलक्ष्मी बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो हमको बताना है धनलक्ष्मी जो बैंक है उसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु या फिर त्रिशूर। दोस्तों इसका जो आंसर है त्रिशूर। एक बात और याद रखनी है हमको इसमें, जो टी लता है उनको क्या बनाया गया, धनलक्ष्मी बैंक का नए MD और CEO नियुक्त किया गया, तो ये बात आपको याद रखनी है, टी लता, ठीक है। दोस्तों बढ़ते हैं हमारे आज के नवे क्वेश्चन की ओर। भारत कोरिया प्रौद्योगिकी विनियम केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो हमको बताना है मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता या कोयम्बटूर। तो हमको बताना है मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता या फिर कोयम्बटूर। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है नई दिल्ली। तो नई दिल्ली में भारत कोरिया प्रौद्योगिकी विनियम केंद्र का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश ने नए लिंगानुपात परिवर्तन कानून को मंजूरी दी है, तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल या फिर जापान। दोस्तों इसका जो आंसर है वो है पुर्तगाल। तो पुर्तगाल ने ट्रांजिशन की दिए, अब ये दुनिया का छठा यूरोपीय देश बन गया, उससे पहले डेनमार्क, माल्टा, स्वीडन और आयरलैंड और नॉर्वे ने ये कानून बनाया था, ठीक है। तो इस कानून का अधिकार प्रदान कर दिया था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, ये हमारे 10 क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, ठीक है। दोस्तों और इन जो क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को आप कॉपी पे कर सकते हैं, और अगर आपको इनकी PDF चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, हमारी इस वेबसाइट पर जा सकते हैं, ठीक है, या तो फिर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में आपको इसकी PDF मिल जाएंगी। और इस वीडियो को ज़्यादा लाइक शेयर करें, क्योंकि जो इंपॉर्टेंस है, अभी जो रेलवे का एग्जाम आपको पता है आने वाला है, रेलवे का एग्जाम आने वाला है, अब SSC GD के जो नोटिफिकेशन 21 जुलाई से आने वाले हैं, मतलब एग्जाम आने वाले हैं, कि जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं बैंक्स के वो भी सारे के सारे शुरू हो जाएंगे, मतलब अभी, ठीक है। तो SBI बैंक का भी अभी आने वाले हैं, सब होने वाला है, हो गया उसका प्रोसेस भी। तो आपको करना क्या है कि जो भी डेली करंट अफेयर्स है, ठीक है, वो देखे, जिन लोगों को प्लेलिस्ट पता नहीं हो प्लेलिस्ट में जाए, वो करंट अफेयर्स की जो सीरीज आती है उसमें जाके लॉगिन करें, तो उसमें आपको क्या मिलेगा कि डेली करंट अफेयर्स की पूरी सीरीज मिल जाएगी आपको, अब तक की जितने की भी चाहिए, ठीक है। दोस्तों तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद। और गाइज, अगर आपको फ्री में स्टडी मटेरियल्स चाहिए तो आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट को, और ज्वाइन कर सकते हैं हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप को, जिसकी लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन पे गाइज। और प्लीज बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, बिकॉज बेल आइकन दबाने से हमारी हर एक वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुंच जाएगी।